हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के उपमंडल जोगिंदरनगर में अस्पताल की लचर स्वास्थ्य सुविधाएं अब मरीजों की जान पर भारी पड़ने लगी है। रविवार को गुम्मा निवासी धर्म सिंह को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर में उपचार के लिए लाया गया था, लेकिन जोगिंदरनगर अस्पताल में सुविधाएं और संसाधनों के अभाव के चलते जब उन्हें शहर से बाहर बड़े अस्पताल में रेफर किया गया तो मरीज ने अस्पताल के गेट पर एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। जोगिंदरनगर की इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सक ने बताया कि अगर अस्पताल में मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सक व आईसीयू की सुविधा होती तो नाजुक हालत में मरीज को टांडा रेफर नहीं करते। अस्पताल की अधूरी स्वास्थ्य सुविधाओं पर अस्पताल के अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक भी परेशान हैं। वहीं अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोशन लाल कौंडल का कहना है कि वह अस्पताल की सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से कई बार पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। उज्जवल हिमाचल के लिए जोगिंदरनगर से जतिन लटावा की रिपोर्ट। डॉक्टर के डी आईज हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।